हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रेवल साथी। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं बना नहीं पाया था। एक्चुअली मेरा जो आप लोगों को पता है कि मैं थ्रू मोबाइल जो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटिंग एवरीथिंग थ्रू मोबाइल करता हूँ, सो मेरा जो एग्जिस्टिंग मोबाइल था कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए उसको मैं सेल कर दिया। एंड सेल करने के बाद नया मोबाइल लेने के लिए अमेज़न पे ऑर्डर किया था, तो अमेज़न में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, वो मोबाइल मुझे नहीं मिला है। तो एज ऑफ नाउ इसमें एक कंप्लेन दिया हुआ है ऑलरेडी, सो देखते हैं आगे ये मोबाइल मुझे मिलता है कि नहीं। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बाद में बना दूंगा कि कैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ एंड अल्टीमेटली मुझे मोबाइल मिलता है कि नहीं। तो फ्रेंड, बेसिकली आज का जो वीडियो का जो मेन रीज़न है, दैट इज़ लाइक आप लोगों को एक न्यूज़ में आ रहा है कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, इसमें जो पीट जो एक कंट्रोवर्सी हुआ है, एक शख्स जो बेंगलुरु से दिल्ली एंड दिल्ली से अमृतसर ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ एक पेट था, मतलब एक पेट डॉग था, तो वो डॉग रिफ्यूज़ हुआ है, मतलब एयरलाइन अलाउ नहीं किया, एयर इंडिया ने अलाउ नहीं किया। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो में अगर इन केस अगर आपके साथ कोई पेट आप कैरी कर रहे हैं, आप दूसरा कोई डेस्टिनेशन जा रहे हैं एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड इन केस अगर रिफ्यूज़ होता है तो आपको क्या करना है ताकि रिफ्यूज़ ना हो, एंड एयरलाइन किस लिए रिफ्यूज़ करता है, फ्रॉम अ एयरलाइन पर्सपेक्टिव ये वीडियो मैं डिस्कस करूँगा एज एन एयरपोर्ट स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो पेट का जो रूल्स रेगुलेशन है, आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत सारा एयरलाइंस है, बट बहुत सारे एयरलाइन में पेट बेसिकली बहुत कम एयरलाइन अलाउ करता है अपनी अपने साथ ट्रैवल करने के लिए। मींस इंडिया में एज ऑफ नाउ सिर्फ दो एयरलाइंस है, लाइक एयर इंडिया तो पहले से ही पेट कैरी कर रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम आपको पता है कि आकाशा एयर भी ऑपरेशन शुरू कर चुका है, एंड आकाशा एयर भी पेट अलाउ कर रहा है। सो आकाशा एयर एज अ स्मॉल एयरलाइन, उनका सभी एयरपोर्ट में और सभी जगह ऑपरेशन नहीं है, बट एयर इंडिया इज़ अ ह्यूज एयरलाइन एंड इंडिया का और अबाउट फॉरेन जो कंट्री है उसमें भी इसका ऑपरेशंस है। तो डोमेस्टिक जो पर्सपेक्टिव है, डोमेस्टिक अगर विद इन इंडिया में आप पेट कैरी कर रहे हैं, पेट डॉग या पेट कैट या अदर्स जो लाइक नॉन हार्मफुल जो पेट होता है आप कैरी कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रूल्स आपको जो कंसर्न्ड एयरलाइन है, एयरलाइन का वेबसाइट में ऑल रूल्स रेगुलेशन पेट कैरी करने के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ मेंशन है। सो एयर इंडिया के लिए ये एयर इंडिया का वेबसाइट में पेट कैरेज पॉलिसी में सभी उसमें मेंशन है, एंड अगर आपको डिटेल में जाना है तो एयर इंडिया पेट कैरेज पॉलिसी ऑलरेडी मैं इस एक वीडियो इस चैनल पे दे चुका हूँ। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर रिगार्डिंग एयर इंडिया पेट कैरेज पॉलिसी, यू कैन जस्ट रेफर दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते डिस्कशन में, ये जो रिसेंट जो केस हुआ है, मतलब एयर इंडिया जो एक्यूज़ हो रहा है कि एक पेट जो फैमिली के साथ जा रहे थे, मिस्टर सचिन शेनॉय नाम का एक शख्स, तो उन्होंने अपने साथ एक पेट जिसका नाम क्लैपी था वो कैरी कर रहे थे, बट एयर इंडिया समहाउ एयर इंडिया का जो कैप्टन है वो रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसलिए उन्होंने ट्विटर पे एक कंप्लेंट डाला था और ट्विटर में एक वीडियो पोस्ट किया था जब उनको अलाउ नहीं कर रहा था। तो इसका जो वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो मैं मिनिमाइज़ करके दिखा रहा हूँ, तो उनको ये सब उन्होंने कहा है, सो जस्ट रेफर दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मिस्टर शेनॉय ने जो बताया है कि उन्होंने मिस्टर सचिन शेनॉय ने जो टिकट बुक किया था वो थ्रू आउट कनेक्टिंग फ्लाइट था, सो ये लाइक फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली, दिल्ली देन पंजाब, एंड पंजाब से वो हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, एंड उनका जो फैमिली के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। तो AI 503 वो फ्लाइट नंबर था फ्रॉम लाइक बेंगलुरु टू दिल्ली, उनके साथ उनका वाइफ एंड बेटी ट्रैवल कर रहे थे, अलॉन्ग विद जो डॉग उनके साथ था, पेट डॉग। सो दैट पेट डॉग वेइंग अराउंड 4.2 समथिंग, सो विद इन 5 kg। सो एयर इंडिया का जो पेट कैरेज पॉलिसी है, अगर आप अपने साथ केबिन में कैरी करना चाहते हैं तो विद इन 5 kg के अंदर वेट होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जो केज है वो केज को लेके 5 kg के अंदर वेट होना पड़ेगा। सो उनका जो वेट जो उन्होंने बताया है विद इन 5 kg के अंदर ही था,
एंड फ्रेंड्स, जब भी ये आपका कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, सो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए जैसे पॉइंट टू पॉइंट ए चार्ज एयरलाइन लेता है। लाइक आपका जो इन जो केस है, मतलब ये जो बेंगलुरु से दिल्ली तक आए थे, तो उनका चार्ज जो अगर वो केबिन के लिए कैरी कर रहे तो बेंगलुरु टू दिल्ली तक ही होगा, क्योंकि वो डिपेंडिंग जो कैप्टन का जो अप्रूवल है, सो अप्रूवल लगता है, सो उनको बेंगलुरु से दिल्ली मिला होगा कैप्टन का अप्रूवल, सो वो कैरी कर पाए, तो उनका चार्ज भी ये जो चार्ज होता है, जो एयरलाइन का पेट कैरेज जो चार्ज है अलोंग विद जो टैक्स है, सो थ्रू कभी भी थ्रू नहीं होता है इनकेस ऑफ कनेक्टिंग फ्लाइट। मतलब आपका दो डोमेस्टिक सेक्टर है तो एक सेक्टर के लिए चार्ज लेगा, और बाकी आपका इन ये जो केस हो रहा है, जो केस बताया गया है मिस्टर सिन्हा के, तो अदर जो है, मतलब दिल्ली से जो ऑनवर्ड फ्लाइट है, जैसे अमृतसर का फ्लाइट था, तो डिपेंडिंग ऑन कैप्टन अप्रूवल ये चार्ज होगा। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है, जो न्यूज़ में सुना जा रहा है या देखा जा रहा है कि कैप्टन ने डिनाई कर दिया, तो एयर इंडिया का तरफ से जो जवाब आया है, तो एयर इंडिया का तरफ से बताया जा रहा है कि कैप्टन जो उनका जो मिस्टर सिन्हा का जो पेट डॉग था, वो पेट डॉग का जो केज था, सो दैट वाज नॉट लाइक कैप्टन डिनाई कर दिया, सो एज़ पर स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं था, केज में कुछ प्रॉब्लम, मतलब सॉफ्ट टाइप का केज था एंड पेट का मजल जो था, मजल से कैप्टन सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसलिए एज पर एयर इंडिया उनको ऑफलोड, मतलब पेट को अलाउ नहीं किया ऑन बोर्ड के लिए। सो फ्रेंड्स, ये अलाउ जो करने का जो अथॉरिटी है, वो टोटल अथॉरिटी जो ऑपरेटिंग कैप्टन है या कमांडर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो रूल्स है, ये रूल्स एज ए लाइक लॉ एनफोर्सिंग ऑफिसर ऑफ द एयरलाइन, सो लॉ एनफोर्सिंग जब स्काई में होता है, तो आप लोगों को पता है कि कैप्टन इज़ द सोल लॉ एनफोर्सिंग ऑफिसर ऑफ दैट एंटायर प्लेन। सो उनको टोटली हक दिया है कि वो अपने प्लेन में पेट, मतलब केबिन में पेट अलाउ कर सकते हैं कि नहीं। तो पेट में जो पेट का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी अगर एज पर स्टैंडर्ड जो वैक्सीनेशन पेपर है या जो वेटरनेरियन है, वेटरनेरियन से जो सर्टिफिकेट होता है, वेटरनेरियन सो फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट और अदर्स जो वैक्सीनेशन रेबीज जो एटलीस्ट जो लेटेस्ट वैक्सीनेशन है उनको होना चाहिए, एंड एक लाइक इंडेमनिटी फॉर्म भी फिलअप करवाया जाता है फ्रॉम एयरलाइन साइड। सो ऑल जो डिटेल्स है ये फिलअप करने के बाद, अगर आप केबिन में कैरी करना चाहते हैं, अगर आपका पेट स्मॉल है विद इन 5 kg इंक्लूडिंग केज है, तो आप कैरी कर सकते हैं। बट कैप्टन का एज जो कैप्टन का जो अथॉरिटी है सोल, उनके लिए वेट करना होता है फाइनल अप्रूवल के लिए। सो मैक्सिमम केस में कैप्टन अप्रूवल दे देते हैं अगर जो पेट है उनका मजल केज ठीक ठाक रहता है, एंड पैसेंजर को अगर लास्ट रो, मतलब अगर केबिन में आप कैरी करना चाहते हो, आपको ये जान के रखना पड़ेगा कि आपको एकदम लास्ट रो में सीट मिलेगा। सो लास्ट रो में जो सीट आपको दिया जाएगा कि दूसरा पैसेंजर आपका, मैक्सिमम लोग पेट को पसंद करते हैं, बट बहुत सारा ऐसा पर्सन है जो पेट से फियर करते हैं या दे डोंट लाइक, सो इसलिए उनको लास्ट जो पेट जो पर्सन पेट कैरी करते हैं उनको लास्ट रो में सीट दिया जाता है। सो पेट जो होता है, सो वो उनका जो केज है, केज का डायमेंशन प्रॉपर डायमेंशन में चाहती हो, जो अपना जो सीट का जो सामने का सीट है, सो सीट के अंदर वो टोटली फिट हो। अगर फिट नहीं होता है, केज थोड़ा बड़ा है जो प्रॉपर डायमेंशन का नहीं है, या सॉफ्ट केज अगर है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा, इसलिए ये अलाउ नहीं किया है, एंड इट इज़ लाइक अ वेरी सॉरी स्टेट। लाइक आप या इनकेस अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ पेट है, सो एवरीबॉडी लव्स देयर पेट एज देयर किड। सो अगर कैरी नहीं कर पाए, तो आप अपना जो जर्नी है, जर्नी अगर कैंसिल करते, ह्यूज फिनेंशियल लॉस होता है, और अपना जो पेट है, सो पेट को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पैसेंजर टू लीव देयर पेट बिहाइंड। सो इन केस ये जो केस रिसेंट हुआ है मिस्टर सिन्हा के साथ, समझ सकते हैं ऐसा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसका जो वीडियो का जो कहने का मेन जो रीज़न है, अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में अगर
आप पेट कैरी कर रहे हैं, तो ये अनटूवर्ड सिचुएशन या जो ये मुश्किल वाला सिचुएशन आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देने के लिए वीडियो बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई कीजिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, ऑलवेज ट्राई कीजिए आपके साथ एक प्रॉपर केनल, प्रॉपर डायमेंशन जो एयरलाइन का जो वेबसाइट में लिखा है, अगर आप केबिन में कैरी करना चाहते हैं तो प्रॉपर वो डायमेंशन वाला केज आप कैरी कीजिए, ताकि वो आपका जो सीट है, सामने वाला जो सीट है, सीट के अंदर प्रॉपरली फिट हो। पेट को आप गोद में कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आपको सीट के अंदर ही प्रॉपरली फिट होना चाहिए, ऐसा केज आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड इट शुड बी केनल, प्रॉपर केनल एंड प्रॉपर डायमेंशन। एंड ट्राई कीजिएगा हार्ट केस या हार्ट केनल कैरी करने के लिए। सो हार्ट केनल में फ़ायदा क्या है? हार्ट केनल में फ़ायदा है कि पेट इजीली मूव कर सकता है, एंड इसमें आपका पेट का जो खाना पीना जो जब सामान जो होता है आप रख सकते हैं। एंड केनल के आपको पता है कि एक जो वेट एब्जॉर्बेंट मैट होता है वो मैट रखना पड़ेगा, ताकि वो गंदा ना करे। और दूसरा जो एयरक्राफ्ट का जो सीट है, मतलब सीट या जो मैट होता है एयरक्राफ्ट का जो, तो उसमें गीला ना हो या गंदा ना हो, इसलिए प्रॉपर केज आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल पेट के लिए अगर आप डॉग कैरी कर रहे हैं, तो डॉग के लिए मजल इज़ मैंडेटरी, मजल चाहिए। विदाउट मजल बहुत सारा कैप्टन डिनाई कर देता है, तो अपने साथ एक प्रॉपर केज और मजल ऑलवेज कैरी कीजिए। एंड आपको मेक श्योर करना पड़ेगा केज का जो वेट है विद इन 5 kg, इंक्लूडिंग केज एंड उसका जो एडिबल जो ईटेबल सामान पेट का जो रहता है, ऑल इंक्लूडिंग 5 kg होना चाहिए। उसके अगर ज़्यादा होगा तो वो केबिन में अलाउ नहीं होगा। एंड ये दो जो टिप्स आपको बताया है वो कैरी करना पड़ेगा। और लेटेस्ट जो वेटरिनेरियन है उनके पास से एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, फिट टू फ्लाई बाई एयर, ऐसा सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा। एंड आपको एक जो लेटेस्ट वैक्सीनेशन, रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। सो ये दो डॉक्यूमेंट्स जो बताया वो मैंडेटरी है, अलोंग विथ आप हार्ड केज कैरी कीजिए एंड प्रॉपर डायमेंशन वाला कैरी कर सकते हैं। सो डायमेंशन क्या क्या कुछ डायमेंशन है उसका ऑल डिटेल्स मेरा एक वीडियो है, एयर इंडिया पेट कैरेज पॉलिसी, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। उसमें टोटली उसका कैरिंग कॉस्ट क्या है टोटली बताया गया है। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया में दो एयरलाइन अभी कैरी कर रहे हैं, ऑलरेडी वीडियो के पहले भी बता दिया, एयर इंडिया एंड अकाशा एयर। सो फ्रेंड्स, बहुत सारा पैसेंजर या कस्टमर या जो मेरा व्यूअर्स से वो पूछ सकते हैं कि अब मेरा पेट का वेट 5 kg से ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो अगर आपका पेट 5 kg से ज़्यादा है, डेफिनेटली आप कैरी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको केबिन में अलाउ नहीं होगा। सो आप मोर देन 5 kg to 32 kg पेट इंक्लूडिंग केज आप कैरी कर सकते हैं। फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट अप टू 32 kg तक अलाउड है, बट 5 kg से ज़्यादा होने से वो जो पेट है, पेट जो है उनको होल्ड में लोड कर दिया जाएगा, मतलब वो कार्गो होल्ड में जाएगा। आपका बैगेज सामान जैसे जाता है वैसा ही आपका पेट भी जाएगा। एंड इसके लिए जो पेपर्स है, पेपर्स आपको दिया जाएगा, साइन करना पड़ेगा इंडेमनिटी एंड अदर्स जो केज का रिक्वायरमेंट है, उस केज में आपका जो पेट है वो प्रॉपरली मूव कर पाएगा, मतलब वो घूम फिर सकता है, ऐसा देखना पड़ेगा। केज बहुत छोटा भी नहीं चलेगा, प्रॉपर जो मूव कर सकता है ऐसा केज आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड अदर्स जो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैं बता दिया, रेफर के लिए आप वो वीडियो कर सकते हैं। सो मैक्सिमम 32 kg तक आप पेट, डॉग, कैट और अदर एनिमल जो नॉन ऑफेंसिव एनिमल है आप कैरी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इंटरनेशनल के लिए मैं बता दूँ, बहुत सारा पैसेंजर यहाँ से नियर बाई कंट्री शिलोंग का, बांग्लादेश का जो दौरा करेंगे अपने पेट के साथ, उनको एक जो एनिमल क्वारंटीन जो सेंटर है, जो वो इंटरनेशनल जो एनिमल क्वारंटीन जो सेंटर है कंसर्न कंट्री का, एनिमल क्वारंटीन सेंटर का आपका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। विदाउट दैट क्लियरेंस आप पेट और दूसरा जो कंट्री है उसमें आप कैरी नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप दैट जो बेसिकली जो वीडियो का जो मेन पर्पस है आप लोगों को अवेयर करना कि जो अनटूवर्ड सिचुएशन मिस्टर शिनॉय के साथ हुआ है, ताकि दूसरा जो ट्रैवलर है आप और मेरे साथ ना हो, तो ऐसा ही एक जो ये है, अगर केबिन में अलाउ नहीं कर रहा है तो आपका, अगर आपके पास हार्ड केस है तो आप वो पेट इजीली आप होल्ड में दे सकते हैं। एंड इजीली ये सेफली कैरी होता है। बहुत सारा
कस्टमर या पैसेंजर सोचते हैं कि अगर होल्ड में दे दूंगा तो मेरा पेट का कोई नुकसान हो जाएगा या कुछ घबरा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं, पेट लाइक योर किड, आप जो अपना जो खुद का जो चाइल्ड है, चाइल्ड की तरह ही आप मानते हैं, बट ये एक एनिमल है एंड एनिमल के लिए बहुत सारा जो आदर्स को पैसेंजर है उनके साथ सिंपैथी होता है, कुछ पैसेंजर का उतना सिंपैथी नहीं रहता है। एंड अगर आपका जो जो मैं जो कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो कैप्टन का जो अथॉरिटी है तो अथॉरिटी के हिसाब से वो डिनाई कर सकता है। सो आपका ट्रैवल प्लान कैंसिल ना हो ताकि आप सेफली अपनी जगह जा सकते हैं, आपका ट्रैवल प्लान ड्रॉप ना हो, तो ऐसे ही इसलिए ही मैं अपना जो सोच है एज ए एयरलाइन स्टाफ मैं आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट अगर ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है अगर आपको अच्छा लगा है, देन यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।